हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगन वंस अगेन। दोस्तों, जब आप बाहर कहीं खेलने जाते होंगे और आपको थोड़ी बहुत चोट लग जाती होगी, या फिर घर में आप कुछ काम कर रहे होते होंगे और आपकी कहीं उंगली कट जाती होगी, या फिर आपको कहीं पर भी वूंड्स हो जाते होंगे, या फिर आप काम करते करते जल जाते होंगे, थोड़ा बहुत आपको जलन होती होगी, और इसी के साथ दोस्तों विंटर के सीजन में आपके होंठ फटते होंगे, या फिर आपकी एड़ियाँ फटती होंगी, या फिर आपके हाथ पैर भी बहुत रूखे सूखे होते होंगे, तो आपको एक ही क्रीम का नाम याद आता होगा जो कि मार्केट में आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम के नाम से बिकती है, जिसका नाम है बोरो प्लस। दोस्तों, इसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के द्वारा किया जाता है और इसकी ऐसी ब्रांडिंग की जाती है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि यही एकमात्र आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम है और इसमें जितने भी इन्ग्रीडियंट्स मिलाए गए हैं वो सारे के सारे इनके द्वारा बताए गए हैं और सारे के सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स इसमें मिलाए गए हैं और यह क्रीम पूरी तरीके से आयुर्वेदिक क्रीम है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस क्रीम में केवल 50% ऐसे केमिकल हैं जो कि बताए गए हैं, और दोस्तों वह तो सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, पर दोस्तों 50% इंग्रेडिएंट्स हिडन रखे गए हैं और उसको क्रीम बेस लेकर छोड़ दिया गया है। दोस्तों, अगर 50% इंग्रेडिएंट्स को नहीं बताया गया है और उनको हिडन रखा गया है, तो दोस्तों जरूरी उन 50% हिडन इंग्रेडिएंट्स में तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे जो कि टॉक्सिन केमिकल्स होंगे और इसी के साथ साथ परफ्यूम्स होंगे और काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स होंगे जिनके कारण कंपनी को लॉस हो सकता था और यह क्रीम को आयुर्वेदिक की पद्धति नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस सो कॉल्ड आयुर्वेदिक क्रीम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, क्या है सच में आयुर्वेदिक है या फिर इसको ऐसे ही आयुर्वेदिक के नाम पर प्रमोट किया जा रहा है और अपनी मार्केटिंग और अपना प्रॉफिट बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मिला गया एलोवेरा, केसर, हल्दी, चंदन, तुलसी और भी कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि प्योर नेचुरल हैं। पर दोस्तों, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अगर पूरा मिला दिया जाए और इसका पूरा का पूरा वेट निकाला जाए तो दोस्तों ओवरऑल इसमें 50% इंग्रेडिएंट्स ही हमें बताए गए हैं और 50% इंग्रेडिएंट्स छुपा लिए गए हैं क्रीम बेस के नाम पर लिख के। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना आपको चाहता हूं कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वह केमिकल टॉक्सिन भी हो सकते हैं और इसी के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आपको बूंस होते हैं, जब आपको कट लगता है, जब आपके वर्न्स होते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपकी स्किन नहीं बसती है और जब भी आप कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं तो वह आपको पेनिट्रेट करके अंदर भी जा सकती है। और दोस्तों, अगर टॉक्सिन केमिकल हुए तो आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पर दोस्तों, अब आप सोच रहे हो कि अगर हमको कट्स लग जाते हैं, बूंस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है तो हम क्या लगाएं? तो दोस्तों चलिए मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बता देता हूं कि मार्केट में से बहुत सारे ऑयल्स आते हैं और प्योरली आयुर्वेदिक तरीके से उनको बनाया जाता है, जिनको लगाकर आप अपने बूंस को, कट्स को, जलने के निशान को सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, उस ऑयल का नाम है जात्यादि ऑयल, जो कि आयुर्वेदिक जमाने से ही बहुत ज़्यादा यूज हुआ है और दोस्तों इसी के साथ साथ इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। दोस्तों, इसको काफ़ी सारी कंपनीज बनाती हैं, तो दोस्तों आप लोग किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। बस दोस्तों, आप उसके एक बार इंग्रेडिएंट्स रीड कर लीजिएगा कि कोई इसमें प्रिजर्वेटिव तो नहीं मिलाया गया है। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी भी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और नॉलेजेबल लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचती रहें और हमेशा स्वस्थ बने रहें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।